अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भटियारा स्टाइल चिकन टिक्का बिरयानी, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले लिया है। हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून ग्रीन चिली है, इनको ऐड कर देंगे इसमें। ये 1 कटोरी भरकर दही लिया है हमने, दही हमारा ज़्यादा पानी वाला नहीं है। ये हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, 2 टीस्पून भरकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। ये हमने रेड फूड कलर ले लिया है, इनको ऐड कर देंगे इसमें। मसालों को हमें मिला लेना है अच्छी तरीके से। हाथ की मदद से हम मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। हम चिकन को आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कवर करके। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप 2 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं मैरिनेट के लिए। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम हमारे चावलों को बॉईल कर लेते हैं। ये एक पैन में मैंने पानी लिया है, पानी में उबाल आने देंगे और ये कुछ खड़े मसाले ले लिए हमने, इसमें ऐड कर देंगे। तेज़पत्ता, छोटी हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिरी, जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। ये ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा तेल ऐड करेंगे ताकि चावल हमारे आपस में चिपके ना, और हमें बॉईल आने देना है पानी में। ये हमने बासमती चावल ले लिए, इसको हमने आधा घंटा भिगो कर रखा था। देखिए पानी में हमारे उबाल आ चुका है, हम चावलों को ऐड कर देंगे पानी में। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं, तब तक हमारे चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट होते हुए। ये हमने एक तवा ले लिया है, उस पर हमने थोड़ा ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, हम हमारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे इसमें। हमें एक एक पीस को अलग अलग डालना है तवे पर। ये इतना मसाला हमारा बचा है, इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ये हमने सारे चिकन के पीसेस रख दिए हैं, हम इनको लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा चिकन पक रहा है, हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल बॉईल हुए कि नहीं। नाइन्टी परसेंट कुक करना है हमें चावलों को। ये देखिए चावल हमारे 90% कुक हो चुके हैं, हम इसे ड्रेन कर लेते।
5 मिनट हो चुके हैं हमारी चिकन को फ्राई होते हुए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारी चिकन पर। सारे पीसेस को हम पलट देंगे। और लो फ्लेम पर इसी तरह हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से। हम हमारी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक पतीला ले लिया है। ये वही पतीला है जिसमें हमने हमारा बिरिस्ता फ्राई किया था, और ये तेल भी वही है। हमें और तेल इसमें ऐड नहीं करना है, इसी में हमें हमारा मसाला फ्राई करना है जो ग्रेवी हम बनाने वाले हैं। तो ये तेल गर्म हो चुका है, ये जो मसाला हमने बचा कर रखा था हम इसको ऐड कर देंगे तेल में। ये पूरा मसाला हमें ऐड कर देना है इसमें। ये थोड़ा मसाला हमारा बचा हुआ है जो हम उसमें पानी डालकर उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को हमें भून लेना है अच्छे से ऑयल में। ये हमने बिरिस्ता जो रेडी करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। पूरा ऐड नहीं करना है, थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इतना हमने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। ये टमाटर ले लिए हमने, ये 2 छोटे टमाटर लिए, इनको स्लाइस करके ऐड कर देना है इसमें। मिला लेना है मसालों को अच्छे से। मसालों को हमने मिला लिया अच्छे से, इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम तक 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारे टमाटरों को गलते हुए। हमारे टमाटर गल चुके हैं अच्छे से। अब इसमें हम हमारी चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी। चिकन हमने ऐड कर दी है इसमें। ये थोड़ा पुदीना और कोथमीर ऐड करेंगे। ये आधा नींबू लिया है मैंने, इसको डाल देंगे इसमें और इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये मिला लिया है मैंने अच्छी तरीके से चिकन को मसाले में। हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है।
चिकन भी हमारी गल चुकी है अच्छी तरीके से। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है हमें। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और हम इसको कोयले का धुआं देंगे, जिसके लिए मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। अगर आपके पास कोई छोटी कटोरी है तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। ये कोयले को मैंने गैस पर गरम कर लिया था, ये इस पर रख देंगे और इस पर थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा ही डालना है, और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम को आपने बंद रखना है। तो 5 मिनट हो चुके, अब हम कोयले को और फॉइल पेपर को निकाल लेंगे। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम थोड़ी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, मैंने 1 टीस्पून भर कर ऐड किया है। और गैस हमारा बंद है, बंद करके ही आप गैस को डालिए क्रीम, वरना क्रीम आपकी फट जाएगी। ये हम भटिया राइस स्टाइल चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, ये ऐसे ही बनकर रेडी होती है। क्रीम को हम मिला लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। हम इसमें हमारे चावलों की तह लगा देंगे। ये देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले और अच्छे अच्छे दाने बन उबले हुए अच्छे से। बस इसी तरीके से हमें चावल चाहिए, बिल्कुल भी टूटे नहीं है हमारे चावल, एक एक दाना अच्छा है। हम तह लगा देंगे चावलों की, मैं एक ही तह लगा रही हूँ, अगर आप 2 तह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने चावलों को डाल दिया है, बिल्कुल अलग अलग है हमारे चावल, बिल्कुल भी चिपके नहीं है आपस में। ये मैंने आधा कप दूध लिया है, दूध डालने से हमारे चावल सॉफ्ट होंगे। ये मैंने रेड फूड कलर ले लिया है, आपको जो कलर पसंद है आप वो डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा कोथमीर ऐड करेंगे। और ये बिरिस्ता जो हमने बचा लिया था इसको डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे देंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, भाप निकल रही है, मतलब हमारी बिरयानी दम हो चुकी है अच्छी तरीके से। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हमारे रेडी हुए हैं। दम देने के बाद भी हमारे चावल बिल्कुल आपस में चिपके नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट भटियारा स्टाइल बिरयानी हमारी चिकन टिक्का बनकर रेडी हो चुकी है। हम इसको सर्व करके बताते हैं आपको। ये देखिए सर्व कर लिया है मैंने हमारी भटियारा स्टाइल चिकन टिक्का बिरयानी को। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलती रहूँगी मैं आपसे इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है हमारी बिरयानी का बिल्कुल, और यकीन माने बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनकर रेडी होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।